तो मिस्टिका फिर दिनों बाद घर पे आई है और बहुत शैतान हो गई आज कल। ये नहीं, ये शैतान हो गया बहुत। ओ क्या बोला मैं? क्या ऐसे बोलेगी अब मेरे को तू? हाँ, तो फिनिश हो जाएंगे। हाँ। मतलब कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, पक्का? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है हमारा 7th vlog 6th vlog। हमने पोस्ट कर दिया था, आज ही पोस्ट कर दिया था, 8 बजे आ गया होगा। तो यार इस 7th vlog में यार क्या करें, मैं सोच रहा था सुबह से कि यार क्या करा जाए इस व्लॉग के अंदर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने जस्ट कैमरा उठाया और जस्ट शूट करना स्टार्ट कर दिया अभी। तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है, जस्ट कैमरा स्टार्ट कर दिया। तो यार कभी कभी ना ऐसे आइडियाज़ आते नहीं है, तो कैमरा आगे होता है ना यार फेस के, तो एकदम से ऑन द स्पॉट आइडियाज़ आ जाते हैं कि यार क्या करें क्या किया जाए। तो वैसे बैठे रहते हैं तो फिर बैठे ही रहो बस, फिर बन नहीं पाता है व्लॉग यार। तो अभी टाइम हो रहा है यार, आज मैंने व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट करा है, थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही लेट स्टार्ट करा है। चुप। अभी बज रहे हैं 8:30, रात के 8:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो आज का दिन यार काफ़ी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ वैसे कह सकते हैं। तो यार ये जो सीरीज चल रही है ना हमारी डेली व्लॉग्स की, ये 7th vlog एज यू नो, तो ये व्लॉग्स बना रहे हैं ना यार हम, तो यार इन व्लॉग्स बनाते टाइम यार ऐसा लग रहा है कि यार कुछ हो रहा है लाइफ में, राइट? बिकॉज अदरवाइज जब व्लॉग्स नहीं बनाते थे, जब वीडियो शूट नहीं करते थे, तो ऐसा लगता था कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, कब दिन हो जाता था, कब रात हो जाती थी, कब दूसरा दिन, कब एक महीना एक साल बीत गया, लॉकडाउन का पता भी नहीं चला, कुछ किया नहीं, क्योंकि यार फ़ोन चलाते रहते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। तो अब व्लॉग्स में आ रहे तो यार एक मेमोरीज़ भी हमारी जो है क्रिएट हो रही है, कहीं सेफ, मतलब यूट्यूब में सेफ हैं, और पता भी चलता है कि हाँ हम दिन में कर रहे हैं कुछ, राइट? कुछ भी कर रहे हो, कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रात को जब सोते हैं तो ऐसे मतलब सोच पाते हैं कि हाँ आज हमने ये किया, ये पर्टिकुलर चीज़ करी। वरना यार सोते टाइम क्या सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते कि बस वही रोज़ की तरह फ़ोन चलाया, बस सो रहे हैं। तो ये हो रहा है यार, अभी तो सही जा रही है चीज़ें। और जो यार मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो सारे व्लॉग्स जो देख रहे हैं, तो यार लाइक कर दिया करो प्लीज़। क्योंकि यार यूट्यूब के एल्गोरिथम है जिसमें यार कि इंगेजमेंट जितनी ज़्यादा बढ़ती है ना, तो लाइक वगैरह करोगे अगर आप, कमेंट वगैरह करोगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो। वीडियो को एंड तक देखोगे तो यूट्यूब के अंदर यार दो ही चीज़ें होती है, एक तो होता है उसका CTR कि आप है ना उस वीडियो पे जो आपके पास रिकमेंड हुई है उस पर क्लिक कर रहे हो, और दूसरा आप वीडियो को कितना ज़्यादा देख रहे हो, एंड तक ज़रूर देखा करो। क्योंकि यार यूट्यूब को अगर आप बीच में छोड़ के चले जाओगे ना व्लॉग को, तो यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो सही नहीं है, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो उसको रिकमेंड नहीं करेगा और प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो। तो दैट्स दिस। और आज मैं यार देखते हैं क्या करते हैं, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको अपने लैपटॉप का टूर दे दूँ, तो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉलपेपर आता है जो मैंने लगाया था, लेकिन जिससी काफ़ी अट्रैक्टिव है ना। अभी बज रहे हैं जो कंजस्सी 8:30 बज रहे हैं रात के, तो पहले तो पासवर्ड मांगेगा। तो यार ये है लैपटॉप, इसके अंदर ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इंस्टॉल करी हुई है। ये गेम है गेटिंग ओवर इट जो मैं नहीं खेलता, ये दोनों का भी खेल लेते हैं, आर्यन गणेश। ये विजुअल स्टूडियो कोड है जो मैंने डाउनलोड तो किया था वो वेब डेवलपमिंग सीखने के लिए, तो आजकल तो मैं कर नहीं रहा हूँ। और ये वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है अडोबी प्रीमियर प्रो, और ये कुछ PDF है जो स्टडीज़ से रिलेटेड है। देखें कुछ मूवीज़ मैंने डाउनलोड करी हुई है, ये GTA भी डाउनलोड किया हुआ है हमने, कभी कभी खेल लेते हैं। तो यार इस ये तो मूवीज़ है, ये 5 Feet Apart ये मैंने डाउनलोड करी थी अभी तक, इसके अंदर ही है। ये बंदिश बैंडिट्स है, स्कैम की पूरी सीरीज़ इसमें है, पूरे हैरी पॉटर की पूरी सीरीज़ इसके अंदर है जो मैंने डाउनलोड करी थी, इंटरस्टेलर है, परिवार की सीरीज़ है, अटैक ऑफ 2611, ये केदारनाथ, ये कुछ कुछ मूवीज़ है मेरी फेवरेट जो मैं रखता हूँ कभी मन कर जाता है देखने के लिए। तो यार अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको दिखा देते हैं जो अपना यूट्यूब का स्टूडियो है उसके अंदर क्या क्या है। तो ये है हमारा यूट्यूब, इस यूट्यूब में अपना स्टूडियो में जाते हैं, तो ये आ जाता है हमारा सबसे पहले स्टूडियो कंटेंट एनालिटिक्स में जाके अगर हम देखें तो अभी हमारे लास्ट 28 डेज़ का देखें तो हमारे 28 डेज़ में 19.6K व्यूज़ आए हैं,
वॉच टाइम इतना है, 120 घंटे प्लस 10 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। और यार अभी रेवेन्यू मैं रिवील नहीं करूँगा वैसे, और किसी वीडियो में कर देंगे उसको। तो अगर मैं लाइफ टाइम का पूरा देखूँ, लाइफ टाइम क्या यार अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को, टोटल चैनल पे 3.9 मिलियन व्यूज़ हैं और 26 घंटे वॉच टाइम है, 7.5K सब्सक्राइबर्स मिले हैं। बाकी यार मैंने इस लैपटॉप का पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो और वीडियो से रिव्यू वगैरह सब कुछ मैंने इस डाला हुआ है इस अपने ही चैनल पे, नीचे जाके आप देख सकते हैं, वरना मैं आई बटन पे दे दूंगा इस चीज़ को। आर्यन यहाँ पे गिटार बजा रहे हैं, फ़ोन चला रहे गिटार बजा रहे हैं, क्या कर रहे हो? इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं। रील्स देख रहे हैं? सो गाइस सेम मैं वॉलपेपर लगा रहा हूँ तेरी ही सर, इसके पीछे नीस दिख रहा होगा आपको, कहाँ है? ओह यस, एकदम पीछे हूँ। आज खाना खाते वक्त मैंने अपने दांत से अपनी जीभ जीभ दांत से अपनी जीभ तो छाला खाऊंगा, जीभ नहीं, हाँ पता नहीं खाऊंगा क्या बोलते हैं यहाँ पे जो होता है क्या बोलते हैं सब। दोस्तों आई हैव एन ऐप, तो गाइस अगर आपको एक ऐप चाहिए जो मैं रिवील करना चाहता हूँ, जिससे आप कोई भी सीरीज मूवीज हॉलीवुड बॉलीवुड शिनचैन की मूवीज वाइव सब, पोपाई द सेलर मैन, स्पॉन्ज बॉब, एवरीथिंग, शिनचैन की मूवीज कुछ भी नहीं जाएगा यार, आपकी एमबी जाएगी वो भी डाउनलोड करने की, वो तो आजकल सबके पास होती है। तो मैं सोच रहा हूँ यार वो अगली वीडियो में रिवील किया जाए, इस वीडियो को लाइक करो शेयर कर, तो हमारे बोलने का फायदा है नहीं, देखो करोगे तुम हो नहीं वैसे भी बोलने का ही फायदा नहीं। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि आपको हाँ वो ऐप चाहिए, तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, इस वीडियो को पूरा देखो यार, लाइक करो, शेयर करो, वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरा देखा करो, मजा आ जाएगा। अगली वीडियो में बताएंगे पक्का, अगर नहीं आए कमेंट तो नहीं बताऊंगा। फिर देखते रहो, फिर तो रोज हमारा व्लॉग 8 बजे आ जाता है, तो देख लिए 8 बजे उठ के कौन देखेगा यार, मैं आराम से देखना 12-1 बजे जब भी नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन तो 8 बजे आएगी, नोटिफिकेशन आया तो 12 जब तक जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो जब तक हटाएंगे नहीं, तब तक हटाएंगे जब बंदा उठेगा तभी तो अननोट ऑन करेगा तभी तो नोटिफिकेशन आएगी उसके पास। क्या कहना चाहता है गणेश तू, एकदम कैमरा के आगे आ जाना भाई, ये कह रहा है कि जब भी नोटिफिकेशन आए वीडियो देख लेना, तो वीडियो के नोटिफिकेशन तभी आएगा ना जब 8 बजे वीडियो आएगी, हाँ तभी आ जाएगी नोटिफिकेशन, तो जब भी देख ले वो नोटिफिकेशन कब आएगी जब नेट ओपन होगा, तो 8 बजे आ जाएगी ना नोटिफिकेशन, मैं कहां से भाई, मैं तो उठता हूं 12 बजे वो, हाँ तो उनके लिए तो बहुत थोड़ी उठता है, उठता था मैं सब्सक्राइबर्स ब्रो, सब्सक्राइबर का पता तुझे कौन है वो बताओ। अरे भाई, अरे तो सबको रिलेट करने के लिए तो अपना एग्जांपल ले, है ना, क्यों ले भाई, क्यों ले तू, मैं हम तीनों कर लेते हैं, लेट उठे हम तो, तीनों लेट उठते हैं, बात नहीं कर रहा मैं, मैं बात कर रहा हूँ कि नेट ऑफ करके कौन कौन सोता है, सारे गाइस नेट ऑफ करके सोते हो ना। अरे गाइस अगर सुनो तो है ना, नेट ऑन करके भी सोता तो 8 बजे का नोटिफिकेशन तो देखता है, तू तो सोता ही होगा, तो मैं तो कह रहा हूँ जब भी आप उठो 12-1 बजे तब देखना, वो बोल रहा हूँ मैंने, तो उठते 8 बजे 7 बजे, तो इस वीडियो पे कितने लाइक्स का टारगेट है अपनी रिसेंट वाली पे, कितने हैं पता नहीं याद नहीं, देखते हैं हमारी जो रिसेंट वाली वीडियो एकदम रिसेंट वाली देखते हैं, गणेश तू देख, नहीं इसको 1000 घंटे लग जाएंगे, देख भी लिया ये। क्या हाल है मिस्टी? ये हमारी चाचा की लड़की है, बहुत प्यारी है, अपना मास्क हटा के ऑडियंस को दिखाओ। मेरा नाम है मिस्टी तनिष्का। तनिष्का? ये कौन है? ये मेरे दोस्त है। तो तृप्ति किसका नाम है? तृप्ति। तृप्ति माय नेम इज गणेश। तो गाइस माइंड मत गाइज, ये हमारा सब्सक्राइबर है, पहले हर वीडियो पे कमेंट करता था लेकिन आजकल कमेंट नहीं करता है, पता नहीं, द नेशन वांट्स टू नो, बताओ भावेश क्यों आप कमेंट नहीं करते हमारी वीडियो पे? अब क्या मैं पहले का पूछ रहा हूँ, मिस्ट्री तुम हमारी वीडियोस देखती हो?
पीछे काफी दिनों बाद घर पे आई है और बहुत शैतान हो गई आज कल। नहीं, ये शैतान हो गया बहुत। ओ, क्या बोला रे? ऐसे बोलेगी अब मेरे को तू? हमारे बोर्ड एग्जाम जो क्लास 12 के इस साल होने वाले वो कैंसिल होंगे या फिर पोस्टपोन होंगे, क्या आपको क्या लगता है? गिटार बजाने में या हम गिटार बजाने में रहते? अरे वो ये छोड़ो, पहले ये बताओ ये जो हमारे एग्जाम्स होंगे इस साल क्लास 12 के उसका क्या होने वाला है? वो एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे? वो आपके एग्जाम होंगे, फिनिश फिनिश हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे? पक्का ये इनका गिटार है। मेरा चैनल का मैं कर दूंगा।